बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे रगड़ा चाट। बाज़ार में जब कभी हम जाते हैं और रगड़ा चाट का स्टॉल दिखाई दे तो चटपटा, टेस्टी और चटाकेदार रगड़ा चाट खाने का दिल तो हो ही जाता है। वही टेस्ट वाले रगड़ा चाट को हम आसानी से घर पर बनाएं तो पूरी फैमिली खुश होकर खाएगी। तो चलिए, देखकर ही मुँह में पानी आ जाए, ऐसा रगड़ा चाट कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। रगड़ा बनाने के लिए ये जो सफ़ेद वटाने आते हैं ना, तो एक कप वटाने लेकर मैंने रात भर इसे पानी में भिगो कर रख दी थी। आप सफ़ेद वटाने की जगह पर हरे वटाने भी ले सकते हो। तो देखिए, ये वटानों को मैंने रात भर भिगा कर रखी थी तो अच्छी तरह से भीग चुके हैं और डबल साइज़ में फूल चुके हैं। तो चलिए अब रगड़ा बना लेते हैं हम इसका। गैस पर एक कुकर रख दिया है, वटाने को हम बॉयल कर लेते हैं। तो चन्नी वाले बर्तन में डालकर मैंने वटाने में से सारा पानी निकाल लिया था। अब आलू भी साथ में ही बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, छोटे साइज़ के आलू है मेरे पास, तो मैंने इसका छिलका निकाल कर ले ली हूँ। 8 से 9 आलू है ये, छोटे इसीलिए मैंने इतने लिए। आपके पास बड़े साइज़ के आलू हो तो आप 3 से 4 भी ले सकते हो। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे हम और थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। अब 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटियां लगा लेंगे। वटाने हमारे रात भर भिगे हुए हैं तो जल्दी से गल जाएंगे। यहाँ पर कुकर में 4 से 5 सीटियां हो गई है और मैंने गैस बंद कर दिया है, प्रेशर सारा निकल चुका है। वटाने और आलू को चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए, पानी भी सूख चुका है, आलू भी यहाँ पर ऑलरेडी हमारे गल चुके हैं। मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ क्योंकि इसे हमें मैश करना है। जैसा स्ट्रीट में रगड़ा बनता है ना, तो उसका टेक्सचर होता है, तो आलू को हम इस तरह से मैश करके डालेंगे तो टेक्सचर बढ़िया सा आ जाता है। और वटाने को भी चेक करके मैं बता देती हूँ अभी आपके सामने कि कितने गले हैं। सारे आलू निकाल लिए मैंने। इस तरह से चम्मच की मदद से इसे हम मैश कर लेंगे। अभी इसे साइड में रख लेती हूँ मैं और मटर भी चेक करके दिखा देती हूँ आपके सामने। तो अभी गरम है, ये देखिए मटर भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। इसका टेक्सचर हमें अच्छा ही रखना है और अच्छी तरह से गले हुए, तो मैं आलू को भी अच्छे से मैश कर लेती हूँ, फिर हम रगड़ा बनाते हैं। देखिए, आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है चम्मच की मदद से। अब गैस पे एक कढ़ाई रखिए, उसमें 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। रगड़े में बहुत ही कम तेल जाता है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। तो 4 से 5 मैंने हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर क्रश कर लिया है, ये डाल देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे रगड़ा चाट में हमारे बहुत ही अच्छा स्पाइसी टेस्ट आएगा। इसे थोड़ा सा भून लेते मीडियम फ्लेम पर और साथ ही में हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल देते। अदरक, हरी मिर्च और गरम मसाले को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और ये मसाले जले नहीं, इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल देते। अब जो हमने आलू बॉईल करके और मैश करके रखे हैं वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस की फ्लेम मैंने धीमी कर दी है ताकि मसाले जले नहीं। इसे मिक्स कर लेते हैं हम। जो अदरक और हरी मिर्च को हमने क्रश करके डाला है ना, उससे बहुत ही अच्छा स्पाइसी टेस्ट आएगा। मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब जो वटाने बॉईल करके रखे वो डाल देते। गैस की फ्लेम तेज़ कर दी है मैंने। अब इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। हमने आलू और मटर को बॉईल किया था उस टाइम पे भी नमक डाला था, तो नमक देखकर डालें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं। रगड़े का पीला कलर बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा डाल रही हूँ मैं। 1/2 चम्मच यहाँ पर चाट मसाला पाउडर लिया है चटपटा सा टेस्ट देने के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पर काला नमक लिया है, इससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है रगड़ा चाट में। अब इसमें पानी डाल देते हैं हम।
तो रगड़ा चाट में थोड़ा पानी ज़्यादा ही होता है क्योंकि इसे थोड़ा हम पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 ग्लास पानी डाल दिया है मैंने। सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और तेज़ आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे हम इसे। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए तब हमारा रगड़ा चाट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे तेज़ आंच पर पकने देते। अभी ये रगड़ा आपको पतला दिख रहा है लेकिन थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि हमने जो आलू मैश करके डाले हैं ना तो उससे टेक्सचर रगड़े का गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रगड़े को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह रगड़ा हमारा कितना गाढ़ा हो गया है देख सकते हो आप। तो गैस में बंद कर देती हूँ और गर्मा गर्म रगड़े को हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह ये टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त बनी है, हमने जिस तरह से इसमें मसाले डाले हैं ना तो जिस तरह से ठेले वाले भैया बनाते हैं ना उसी तरह का टेस्ट आपको लगेगा। तो एक प्लेट में रगड़े को डाल देंगे, गर्मा गर्म रगड़ा हमारा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। टेक्सचर देख सकते हो आप इसका कि हमने जो आलू को मैश करके डाला था तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ही रगड़ा दिख रहा है ये। अब गर्मा गर्म रगड़े पर हम गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अब बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं। माशाल्लाह अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो देखिए आप इस तरह से अपने बच्चों को अपने घर वालों को जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये बेसन की बारीक सेवली है तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना इसके बिना भी रगड़ा चाट को आप खा सकते हो। मेरे पास बारीक सेव थी बेसन की तो वो भी डाल दी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा इस पे काला नमक डाल देंगे। अब जीरे का पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी चटनियों को कम या ज्यादा डाल सकते हो। तो देखिए गर्मा गर्म हमारा ये रगड़ा चाट बनकर तैयार है। चटपटा सा, टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार झटपट बनकर तैयार होने वाला। ये बच्चों को तो पसंद आता ही है, बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।